फाइनली गोलूदा हमें मिल चुके हैं और ये रहे हमारे वन एंड ओनली गोलूदा। तो इनका जो था आज रेस थी, यानी कि जिस दिन लास्ट भर्ती थी जो आपका पिथौरागढ़ में चली थी 5 से 12 तारीख तक, आज है 11 सितंबर और आज हमारे गोलूदा की भर्ती थी। और फाइनली गोलूदा ने आपका जो रनिंग थी वो निकाल दी है और जो आपका चिन अप वगैरह होता है वो भी सब कंप्लीट हो गया। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं तहे दिल से। और तो क्या बोले, गाने तो नहीं सुन रहे हो कहीं? सुनाई दे रहा नहीं दे रहे? वैसे रनिंग वाली बात तो झूठी थी, सच बता दो। तो अब जरा गोलू भाई से जानेंगे कि उनका एक्सपीरियंस एक्चुअल में कैसा रहा, सच में रियल बताएंगे कि किस तरह से वहाँ दौड़ा है इनने। पहले चक्कर में गिरे भी हैं और फिर वापस कम बैक करके इन्होंने दौड़ निकाल रखी है सेकेंड ग्रुप में, तो इनसे ही जानते हैं। इनके ही मुँह से आइए। पहले बात तो मैंने अभी गर्म पानी से नहाया। अच्छा स्टार्टिंग से बताओ, स्टार्टिंग क्या, रात को कितने बजे निकले? रात को हम 4 जने थे। हाँ पहली बात तो पिथौरागढ़ जो भी कोई आता है भैया देख के आओ, खो जाता है बंदा। मान लो कि 5 40 की टाइम ले रहे हैं, 5 40 में तुम 30 ही बंदे घुस रहे हो तो उनकी क्या गलती? हाँ 5 40 के अंदर 66 बंदे भी घुस रहे हैं तो वो भी तो ठीक है ना, हाँ ये वो भी सही सही दे रहे है, हैं, पूरा बढ़िया दे रहे हैं, बस तुम्हारे बिल्कुल अंदर दम बिल्कुल। होना चाहिए निकालने का। और दूसरी बात, हम वहाँ बैठे बैठे 10 बज गए, 10 से 11 बज गए, 1 बजे की हाँ एंट्री थी, उसके बाद 2 बज गए, फिर सर लोग आए, सर लोगों ने हाइट हाइट नापी, लाइन लगे, भगदड़ हुई, हाँ पुलिस प्रशासन ने बहुत सारा सहयोग किया पिथौरागढ़ का, उनको भी हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और एक बात है, डिसिप्लिन बहुत तगड़ा रहता है, चाहे कुछ हो, डिसिप्लिन बहुत, हम इतनी भर्ती में जाने से ये चीज़ सीख लिया कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हर चीज़ बिल्कुल में। बिल्कुल जरूरी बिल्कुल नहीं है कि हम आज फौज में जाते हैं या मतलब तो हम ऐसी बात कर रहा हूँ, ऐसा हाँ नहीं करके हम प्राइवेट भी कर सकते हैं, जरूरी ये नहीं होते, सही और बात है, जरूरी है कि हो भी जाते हैं, बहुत हाँ चीज़ होती हैं, पर बिल्कुल। डिसिप्लिन जिंदगी में बहुत जरूरी होना चाहिए, ये हमने सीखा है भर्ती में, ये चीज़ तो मैंने सीखी है, इतनी भर्ती दे दी है, ये चौथी तो भर्ती है, दी है। उसके बाद फिर वो डॉक्यूमेंट चेक हुए, फिर उसके बाद ग्रुप वाइज बैठाते हैं लड़कों को, कि हाँ एक बंदे में 250 250 बंदे दौड़ाते हैं, हाँ ग्रुप वाइज इकट्ठा मतलब एक। पहले तुम्हें नीचे वाले ग्राउंड में बैठाया, उसके हाँ बाद ऊपर वाले ग्राउंड में कितने नहीं बजे नहीं ले गए? नीचे में पहले ग्रुप बनाया, अच्छा नीचे बना लिया था। नीचे मतलब बंदे, ग्रुप तो हाँ ऊपर ही बनता है, नीचे बंदा गिनने वाले ग्रुप बनते हैं, हाँ वो बैठे, फिर उसके बाद वहां पर बैठे 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 बैठे, बैठे अब रोज कितना बज गया था, 2:30 बज गया था, 2:30 बजे था ढाई रात बज के। गया था हाँ वहाँ बैठे बैठे। उसके बाद बाथरूम वाथरूम गए, सब लोग गए, सबको जाने दे रहे थे बढ़िया करके, हाँ फिर उसके ऊपर ले गए वो दूसरे वाले फील्ड में दूसरे मेन वाले फील्ड में, बिल्कुल। हाँ वहाँ बैठ गए हम लोग, हाँ हाँ वहाँ बंदों के मतलब ग्रुप बने, फर्स्ट ग्रुप सेकंड ग्रुप, मतलब 2:30 10 बंदे के हिसाब से बैठाते हैं, डिसिप्लिन के हाँ हिसाब से होता। बिल्कुल। फिर अच्छा हाँ फिर वो बहाना वो ज़्यादा बह गया था, नींद भी आ रही ना, ये तो कल रात हाँ सोया नहीं हूँ, ये ठीक जबरदस्ती बना रहा है। हाँ चलो फिर उसके बोलो। बाद कहते हैं ग्रुप बना, हमारा सेकंड ग्रुप था, ऐसे सब ग्रुप बने। हाँ उसके बाद फिर 6 बज गया, 6 बज गया मतलब 2:30 से 6 बजे तक बैठे हाँ रहे हल्का हल्का वही। बरसात का मौसम भी हो रहा था, पर और बरसात हुई नहीं, ठंडा ऐसा नहीं, ठंडा है थोड़ा गर्म, ठंडा भी लग रहा था, और वो तो बाकी है नहीं ही ऐसी यार नींद भी झपकी झपकी आ रही थी, बस सोने के डर बिल्कुल। के मारे के सर आ जाएंगे वो कह रहे। उसके बाद 6 बजा, फिर हाँ बाथरूम वाथरूम गए दोबारा, उन्होंने सर ने जाने का मौका दिया, वही वही 6 बजे से बात भर्ती पहला स्टार ग्रुप स्टार्ट हो बिल्कुल। गया था। हाँ मतलब पहले ग्रुप में तुम्हारे हिसाब से कितने बंदों को दौड़ाया था? वो 250 दौड़ाते हैं हर ग्रुप में, तो तुम्हारा पहला ग्रुप था, सेकंड ग्रुप था, हमारा थर्ड सेकंड ग्रुप सेकंड था, हो, तो जो फर्स्ट वाले थे उसमें आपका 38 बच्चे लिए थे, और सेकंड ग्रुप इनका था तो उसमें कितने लिए थे टोटल? 47 लिए थे, 47 दूसरे हाँ वाले में। मतलब 47 मैं लिए थे, नहीं कहूंगा इस चीज को लिए थे, ऐसा होता है कि मतलब बाकी वो टाइमिंग और बंदूक घुसने के हिसाब से होता है, ये चीज हाँ हमने गौर की है। तुम दौड़ लेते तो देखो दो ही मतलब चीज क्या होती चीज है, सोचते थे, क्या चीज माइंड में चला था तुम्हारे जब तुम्हारा फर्स्ट चक्कर चला था, सेकंड चक्कर, थर्ड चक्कर? उस समय माइंड नहीं चलता है, पहले चलता है कि भीड़ से लिख लो पहले, क्योंकि मैं जैसे ही गिरा तो एक बंदा गिरा, मैं भी थोड़ा सा हड़बड़ा गया तो घुटने के बल मैं भी गिर गया, बंदों ने गाड़ दिया था, फिर हाँ लास्ट चक्कर तक तो थोड़ा पीछे ही था मैं। हाँ उसके बाद खिंची 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 खिंची, काटते रहा काटते रहा काटते रहा काटते रहा काटते रहा, तीन चक्कर एक कंप्लीट, नहीं दो दो। दो चक्कर कंप्लीट हो गए, उसके बाद लगा था कि मैं रुक जाऊँ यार, छोड़ क्या करना है करके, हाँ थकाई लग गई थी बहुत, क्योंकि हाँ जान फर्स्ट वाले बंदे और लास्ट वाले बंदे में सेम ही लगती है, हाँ फर्क इतना रहता है कि उसने लीड ही होती है, और जो लीड देता है सबसे ज्यादा थकाई भी लगती है उसे। काटे रहे काटे रहे काटे रहे, हाँ फिर प्रभु कृपा से और आप लोग के सहयोग चौथे से चक्कर में क्या लगा यार, लगा उस टाइम? क्या है, क्योंकि आखिरी होता है कि हाँ चलो अब या तो आ रुकी या पार रुकी वाला हिसाब होता है, हाँ मतलब तो मैंने, ऐसा तुम बता रहे थे मैंने आंख बंद कर दी थी करके। यार चौथा चक्कर था, हाँ अब बंदे हमसे 100 100 मीटर आगे हैं, हाँ क्या करोगे, 100 मीटर यहाँ नहीं होता, बहुत कुछ होता है, 100 मीटर आगे वो बंदा, लगता उसमें है, भी होते हाँ हैं, कम लगता है लेकिन होता होता बहुत है। बहुत है, फिर हम क्या करते हैं, फिर आगे बंदे करते हैं, उसके बाद फिर ये बन दौड़ा, गए रेलगाड़ी और फिर पहुंच गए जो पहला बंदा चला था ग्रुप में, वो उससे मतलब सिर्फ उससे तीस मतलब मीटर पीछे। 30 तो नहीं होगा, मतलब 30 तो बहुत हो गया, हाँ मतलब कम से कम
50 मीटर या मतलब ऐसे ऐसा होगा। फिर ये भी तो बताओ फिर हाँ लग गया था कि हाँ अभी जब मतलब ने का ग्रुप वन का अब तो दौड़ निकल जाएगी, खुशी थी मतलब ऐसा नहीं है। मैं अपनी फीलिंग अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अरे फीलिंग की क्या बात है, देखो अभी तो मैं कितना अच्छा लगा क्योंकि मैं बताता हूँ भाई, हमने भाई की मेहनत देखी है। बताओ सच बताऊ दिन में 11:30 बजे दिन के भाई चटक घाम होता था, 2:30 बजे दौड़ने के लिए जाता था अकेले, तो मैं रोड में कोई दौड़ता नहीं दिखेगा बाघ के अलावा, मतलब ये दूसरा बाघ जो कि लेट गया है भाई। सच में यार मतलब बहुत मेहनत करी है, इससे पहले आपने भर्ती दी थी रानीखेत में, 2021 में भर्ती दी थी भाई ने, हम मैं भी गया था, मेरी जब फर्स्ट भर्ती थी उससे पहले दी थी आपका बनबसा में जब कीचड़ वाली हुई थी भर्ती 2019 में हुई थी ना, तो उसमें तो निकाल नहीं पाए थे, लेकिन उसके बाद जब रानीखेत से वापस आए तो भाई ने गजब ही मेहनत करी, मतलब गजब ही। वो कहते हैं ना यूअर हार्ड वर्क पेड ऑफ करके कुछ इस टाइप का है, मतलब कि आपकी मेहनत जो है वो रंग लाई है। इतने हमारे भाई लोगों ने निकाल रखी ना, दौड़ निकाल रखी है, सबको ढेर सारी शुभकामनाएं और आगे उनका बहुत अच्छा फ्यूचर है। और यार जिन्होंने नहीं निकाली है उनको निराश नहीं होना है, नेक्स्ट टाइम जब भी भर्ती आए तो अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से निकालनी है। इस बार पता है अच्छे अच्छे धावक नहीं निकल पाए यार, पता है दिन में जब मैं बस स्टेशन आ रहा था कहीं मिले पुराने दोस्त लोग, तो बता रहे थे कि आगे जो चल रहे थे मतलब ये सब पुरानी भर्ती निकाले हुए हैं, वो भी एक्सीलेंट। कुछ इस तरह का आज का सीन रहा, उम्मीद है कि ये व्लॉग आप लोग को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर जाएगा, और जितने भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं जो भी आपका रनिंग की तैयारी कर रहे हैं उनको एक मोटिवेशन देखते हैं वीडियो, हाँ उनको मोटिवेशन देने के लिए ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं एक बार कॉन्ग्रेचुलेशन गोलूदा जरूर लिखेगा, मनी मन तो दबा के रिपोर्ट मारो भाई के चैनल पे, बेटा मार भी देंगे दबा के रिपोर्ट। तो मिलते हैं जल्दी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय टाटा एंड स्टे कनेक्ट विथ नी रिच। चलो The world seems small.